हेलो फैंस, आई एम पुष्पेन। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्क एंड वेजेस से जो है प्रकार से रिलेटेड है। कार्य और मजदूरी से क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे और कार्य और मजदूरी का जो है ये अगला क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि ए बी सी किसी काम को कितने 6, 6, 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, या इतने देर दिन लगाते हैं। तीनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें जो है 1350 रुपये मिलते हैं। बी का हिस्सा कितना है, आपको बताना है बी का हिस्सा कितना। देखिए, ये कह रहे हैं कि वो 6 दिन और 8 दिन और 12 दिन क्या करते हैं, वो काम पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर के यदि काम को करते हैं तो 1350 रुपए की उनको जो है राशि मिलती है। और बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा पता कर रहे हैं। एक जो है ये यहाँ पे बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया और 8 लिख लिया, 12 लिख लिया। इन तीनों का एलसीएम लिया हमने तो एलसीएम आया 24, एलसीएम 24 आया। और जो एलसीएम था उसको 6 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 आया है। और जो एक प्रकार से एलसीएम जो था 24 उसको 8 से डिवाइड किया तो यहाँ 3 आया है। अब जो फिर से एलसीएम जो था उसको 12 से डिवाइड किया तो 2 आया है। मतलब ये 4 काम पर डे करता है, ये 3 काम पर डे करता है और ये 2 काम पर डे करता है। टोटल ये दो तीनों मिलके अगर जो काम करेंगे एक दिन में तो ये 9 काम कर देंगे एक दिन में। इस प्रकार से टोटल 24 काम थे तो 9 दुनिया 18, 9 त्रिक 27 होता है। तो 3 दिन भी इनको नहीं लगेंगे, ये काम पूरा कर लेंगे। 3 दिन भी इनको काम करने में नहीं लगने वाले। अब हमको कह रहे थे कि बी का हिस्सा कितना है। भाई बी का हिस्सा कितना है, देखिए बी कितने काम करता है, जिस हिस्से में वो काम जितना करते हैं उसी हिस्से में उनको मजदूरी मिलेगी। तो हमने पढ़ा होगा वर्क अपान, मतलब ये जो है जितने हिस्से में वो काम जिस हिसाब से काम करते हैं उसी हिसाब से उनको जो है मजदूरी भी मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए क्या काम करते हैं, किस हिसाब से करते हैं उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अब यहाँ पे काम कितना किस हिसाब से कर रहे हैं, देखिए ये 3 काम भी करता है तो इसको 3 के मल्टीपल में पैसा मिलेगा। हम किसी भी प्रकार से यूनिट निकाल लेते हैं, 9 काम करते हैं तो 9 को डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे 1350 को। 1350 जो है टोटल रुपया इनको मिलता था तो 1350 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। 1350 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे जिसका पैसा जितना है, तो ये पता हो जाएगा ना कि एक यूनिट का पैसा कितना है। मतलब इसी तरह से 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है, 9 दिए हैं। अब यहां कहने का मतलब है, अब तो बी को जो है मतलब कितने मिलते थे, इसको 4 हिस्से मिलेंगे ए को और बी को मिलेंगे 3 हिस्से, और सी वाला जो है उसको 2 काम पर दे करता है तो उसको 2 हिस्सा रुपया मिलेगा। अब ये 3 हिस्सा जो करता था ये 4 हिस्सा करता है ए वाला और ये 2 करता है, हमको 3 का पूछे हैं तो किसी प्रकार से एक हिस्से का हम निकाल लें, एक का निकाल लें और 3 से गुणा कर दें, जिसका पता करना है उससे गुणा कर दें तो टोटल कितना है 9, यहाँ पर 9। तो 9 जो दिख रहा है इसी 9 से डिवाइड करते हैं 1350 को और उसके बाद और गुणा कर देते हैं 3 से, तो हमको पता हो जाएगा बी का हिस्सा कितना है। 3 3 9 होता है, 3 4 12 3 5 15 होता है, 3 4 12 3 5 15 होता है। मतलब 450 रुपये जो हैं वो किसको मिलेंगे, वो बी को 450 रुपये मिलेंगे। 450 कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसका, सॉरी ये वाला ऑप्शन ही नहीं था इसमें, तो 450 रुपये इसको मिलेंगे। ये तीसरा वाला जो है इसका सही आंसर हो जाता है। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, अगला नेक्स्ट डे आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लेक्चर लेंदी हो जाएगा।